अभिषेक के मैनेजर का अब जो भी नेगेटिव पीआर वाली चीजें चल रही थी उस पर एक ऑफिशियल अगर मैं कहूं तो स्टेटमेंट आया है। काफी समय से ये मुद्दा नेगेटिव पीआर 25 लाख चल रहा है, आप जानते ही हैं, लेकिन इस पर कभी भी कुछ भी बोलता हुआ नजर नहीं आया था फुकरा या उसकी टीम या एल्विश ने भी डायरेक्टली इन दोनों इनके बारे में बोला नहीं। तो अब एक फुकरा के मैनेजर की तरफ से बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो है इस तरीके से उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। वो लिखते हैं, एड्रेसिंग टू द ट्विटर पोस्ट मेड अगेंस्ट मी एंड माई कंपनी वेयर दिस कीबोर्ड वॉरियर कॉल्ड चीफ बिल्ला हैज कॉल्ड एज द मास्टरमाइंड बिहाइंड ऑल द नेगेटिव मीम्स बींग सर्कुलेटेड अराउंड एल्विश यादव एंड वट आई सी एल्विश यादव इज ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड बाय दिस। तो वो कह रहे हैं कीबोर्ड वॉरियर कॉल्ड चीफ बिल्ला, अब ये क्लियरली नाम लेके ही बात कर रहे हैं। तो भाई सबसे पहली चीज, आई डोंट लाइक दिस मच टाइम इन लाइफ टू प्लान दिस अगेंस्ट यू एंड एनी वन ऑल्सो। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु डज एनीथिंग नेगेटिव अगेंस्ट एनी वन, एंड अगर करना ही होता तो बिग बॉस के टाइम करते, तब तो हम भाईचारा ऑन टॉप कर रहे थे, विच इज एविडेंट टू एवरी वन किसने क्या किया। 25 लाख स्पेंड करने होते तो तब करते, अब थोड़े ना कोई कॉम्पिटिशन चल रहा है। एवरी वन इज डूइंग बिजी डूइंग देयर वर्क, पीपल थिंकिंग समवन विल स्पेंड 25 लाख टू ब्रिंग अदर पर्सन डाउन इज डमनेस एट मैक्स। बहुत बड़ा पोस्ट है लेकिन बहुत क्लैरिटी के साथ चीजों को उन्होंने बताया। आगे लिखते हैं, Being very honest, इधर से कोई नेगेटिव पीआर नहीं हुई है। जो भी हुआ है ये तो सब ऑर्गेनिक है। या तो यू लुक, कौन है आपका एनिमी जो ये कर रहा है? तो उसने बोला यहां से कुछ नहीं हुआ है, आप देखो कि कौन कर रहा है, बिकॉज हमने नहीं किया है। इवन बिग बॉस के टाइम पे भी Anyone who asked me to do anything against Elvis being abused by keyboard warriors, I had strictly said no to any negativity. Also have multiple chats of that type. So it's better to end this and look for actual culprit. हम यहाँ किसी को गिरा के आगे बढ़ने वाली सोच नहीं रखते हैं, साथ में ग्रो करने वाली सोच रखते हैं। अब आगे लिखते हैं, coming to other thing, my role with Fukra Insan, I know him from 2+ years, have been working on brands with him since then. When he was going for a big boss, he wanted us to take care of his Instagram as we had experience of doing this for brands. But as soon as big boss was over, our job ended. Also, other than last 2-3 days, I hardly got a chance to talk to him. He's so busy doing superb things in life and I am super proud of that. Hope this brings end to this false narrative going around. Radhe Radhe. साफ साफ कहा है कि देखिए कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं और किसी को लगता है तो, और कोई किसी की बातों में आ रहा है तो ये उसकी प्रॉब्लम है। अच्छा तो ये होगा कि वो खुद देखे कि रियल कल्प्रिट कौन है, ढूंढे, वही बेटर होगा। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं।